प्रियंका बहन वो कुकिंग कर रहे है ना, तो ठीक है अभी आके आ तो गया, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेगा। ये मेरा इस कल का बनाया है, पता नहीं कैसा होगा, मजा ही होगा। और यहाँ पे भी है, वाओ इतना टेस्ट है, देखो प्रियंका बहन पूरा बना दे रहे हैं, इतना तकलीफ कर रहे हैं। साग ना, यही खाने दिलता हमको, हाफ बॉयल। और ये चटनी, चटनी चिकन का, और बैंगन। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप लोग कैसे हो, आई होप आप लोग ठीक ही होगा। तो देखो दीदी, इतना खूबसूरत जगहों से हमारा आज का ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं। और ये देखो उद लेन, उद टाउन क्या बोलते हैं, रिजोर्ट ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब छोटा छोटा घर है, वो भी ये सेकेंड वाला में हम लोग स्टे कर रहे हैं। तो पता नहीं, हमारा तो 2500 है, 2500 रेट सबका अलग अलग है यहाँ। और वहाँ पे क्या बोलते हैं, छोटा वाला क्या बोलेगा घर, एकदम बहुत छोटा है, बहुत क्यूट है। और ये हाईवे, इसके ही सामने में हम लोग बैठे हुए हैं। और बारिश इतना लगातार आ रहा है, बारिश ऐसे मतलब सुबह से इतना कंटिन्यू आ रहा है, तो पता नहीं आज कैसे हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि बाइक में तो मेरा ख्याल से पूरा भीग जाएगा होगा, मतलब देखिएगा कैसे होगा। घूमना फिरना तो चाहिए, इतना दूर से आया ना। और मेन बात तो बितुल और रूपम, ये सब मतलब ये सभी को मिलने आया, तो पता नहीं पॉसिबल होगा कि नहीं, उन लोग भी टाइम मिलेगा कि नहीं पता नहीं। इतना दूर सफ़र करके आया ना, इतना तकलीफ करके आया, पता नहीं वो लोग भी टाइम दे पाएगा कि नहीं। तो अभी हमारा ब्लॉगिंग तो शुरू हो चुका है, बहुत ही मतलब इतना फ्रेश है ना यहाँ, सच में। अभी यहाँ धीरे धीरे और बहुत दिखेगा हमारा चौकम का, और नाम से बहुत ही मतलब अच्छा अच्छा जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। धीरे धीरे एक्सप्लोर करेगा, इतना दूर से आया तो एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। और इतना तकलीफ से आया, आपको दिखा ही होगा दीदी। और क्या है कि देखो वहाँ पे मेरा दोस्त अभी भी सो रहा है, कब से सो रहा हूँ ना, टाइम भी हो गया अभी 6:30 हो गया। और मेरा तो आदत है सुबह उठने का, तो इसलिए 6 बजे नहीं होने का पहले, लेकिन वो कल इतना थक गया ना, क्या ही बोलेगा। लेकिन 6 बजे नहीं होने का पहले आँख खोल गया, मेरा ऐसे ही है, सोने नहीं सकते, मतलब सुबह को लेट नहीं सोते हैं, तो उसका कारण से मतलब उठ गया। कभी सोचने से मतलब टिकी है अर्ली मॉर्निंग इतना भी। तो अभी ये बारिश में दिखते हैं आज क्या हो पाएगा, कैसे क्या मेरा ब्लॉग होगा, कुछ भी आइडिया नहीं। तो आज तो सोचा था बितुल का बहा जाएगा वो के, तो पता नहीं ये बारिश में कैसे जा पाएगा, बहुत बारिश है, कुछ नहीं, थोड़ा बाद में रुक भी जाएगा होगा। तो होगा दोस्तों, मेरा ब्लॉग एंडिंग तक दिखते रहना, यहाँ से पूरा आपको दिखाएगा नमसाए चौकाम का पूरा नज़ारा दिखाएगा कैसे है ना। तो क्योंकि तो देखा ही नहीं होगा, तो इसलिए मेरा शुरू से देख लेना, हमारा नमसाए चौकाम बहुत ही खूबसूरत है, सच में इतना चारों तरफ पूरा जंगल है। लेकिन यहाँ में क्या है कि एक चीज़, और देखो हम लोग का वहाँ में क्या होता है कि पूरा पहाड़ी पहाड़ इलाका होता है ना, इससे देखो पूरा पहाड़ पूरा कवर करता है, इस साइड पूरा कवर। और यहाँ है कि क्या है कि पहाड़ी नहीं है, दूर दूर पूरा कुछ भी पहाड़ नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग है प्लेन एरिया का, पहाड़ी दिखाई नहीं देता है, लेकिन चारों तरफ पूरा जंगल है, नेचर से भर के है, सुंदर है। तो होगा दोस्तों, हमारा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, एंडिंग तक देखते रहना, आज का इंटरेस्टिंग होगा मेरा ख्याल से मतलब, हाँ इंटरेस्टिंग होगा। तो होगा दोस्तों, यहाँ मैं स्टे कर रहे हैं, एकदम ऐसे लग रहा है कि अलग से कार्टून वाला घर में बैठा हुआ है, और बहुत क्यूट है। और ये है यहाँ पे बाइक, बहुत सुंदर से बना है सच में, पीछे पूरा जंगल है, ऐसे चिड़िया पूरा रो रहे हैं सुबह सुबह, क्या ही मजा है। हमारा वहाँ तो ये सब सुनाई नहीं देते, मतलब वहाँ तो हमारा कैपिटल एरिया है, तो इसके लिए ये देखो इतना क्यूट से है। बारिश बहुत कंटिन्यू आ रहा है, वहाँ बैठ के हम ब्लॉग बना रहा था वहाँ पे। सो दोस्तों, अभी दिन का सुबह को 9:30 ऐसे हो गया, तो अभी सुबह सुबह मतलब ब्रेकफास्ट यहाँ से खा के निकलेगा, क्या पता रास्ते में मतलब खाने नहीं अवेलेबल नहीं होने से फिर
तकलीफ होगा, तो लेकिन अनजान जगह में आया हुआ है, तो इसलिए अभी सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट खाने आ गया। तो यहाँ में कैंटीन क्या बोलते हैं इसको, हाँ रेस्टोरेंट या जो भी, तो यहाँ में और आज पूरी है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, और यहाँ में काम चल रहे हैं। ये है आज का पूरी, और ये क्या सब्जी है, बीन्स है क्या, जीका, और जीका ना, तो टेस्टी लग रहा है देख के, तो हाँ हेल्प कर लेगा। तो हमारा आज का शुरुआत तो ये है, स्टार्ट हो गया अब पूरी से, उसके बाद पूरी करके आज इधर उधर जाना पड़ेगा। तो बिटुल को भी थोड़ा बाद में फ़ोन करेगा, अगर वो भी शायद फ्री है कि नहीं तो फ़ोन करके चला जाएगा उसका वहाँ में, उसको मिलने के लिए, इतना दूर से आया ना, तो मेरा तो यहाँ में कुछ काम नहीं है, तो वो और बिटुल और ये क्या था रूपम के लिए आया है, और सब के लिए आया, मिलने के लिए आया, पता नहीं और टाइम मिलेगा दे पाएगा कि नहीं, तो होगा कोई बात नहीं। तो अभी हमारा दिन का मॉर्निंग का स्टार्ट करेगा ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों हम मतलब फाइनली ब्रेकफास्ट भी करके हो गया, अभी हम जस्ट निकलने के लिए बिटुल का घर जाने के लिए अभी रेडी हो गया। अभी घर का ही मतलब घर का मीन्स लूज पूज वाला कपड़ा, क्योंकि यहाँ में गर्मी बहुत है, तो इसलिए मतलब कंफर्टेबल से अपना भी कंफर्टेबल होना है, तो इसलिए हम पूरा मतलब अच्छा और लूज बूज वाला कपड़ा पहना है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी यहाँ से निकलेगा और देख सकता है आप मेरा पूरा कपड़ा सपड़ा, क्योंकि ऐसे होता है पूरा हालत ही नहीं है कपड़ा रखने के लिए, जहाँ था यहाँ पूरा फैला दिया, शायद हम यहाँ में दो दिन जैसे बैठेगा, कल परसों और कहीं में एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ में रेत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मीन्स अब बजट में नहीं आ रहा है, पैसा है ही नहीं ना, तो पता नहीं कैसे करेगा, हम कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा है। दो दिन होगा तो 5000, मतलब हम सोचे कि यहाँ में थोड़ा एक हफ्ता ना आ ही गया, इतना दूर सफ़र करके आ गया, तो एक हफ्ता तो मतलब थोड़ा बैठेगा सोचा है, और इतना अमाउंट इतना ज़्यादा और मेरा बजट से बहुत बाहर आ रहा है, क्योंकि इतना दूर से आया, पैसा भी बहुत चला गया ना, तो देखते हैं, बहुत तकलीफ हो रहा है बैठने के लिए, क्या ही बोलेगा, यहाँ में देखना बहुत तकलीफ है, क्योंकि एक दिन का हो गया 2500 और खाना पीना एक्स्ट्रा, क्या होगा पता नहीं, कैसे कल को पूरा खंगल होके बर्तन माँज के जाना पड़ेगा होगा ऐसा लग रहा है हमको। कुछ नहीं दिखते हैं, कहीं भी अगर दो दिन यहाँ में स्टे करने का वक्त में सस्ता वाला होटल ना कहीं में आसपास में, मतलब एसी नहीं होने से भी हो जाएगा, क्योंकि अभी हालत भी नहीं है, तो इसलिए बिना एसी का भी हो जाएगा, थोड़ा ढूंढ लेगा आसपास में कहीं में अच्छा होटल होगा कि नहीं, अच्छा होटल मीन्स हाँ मतलब अफोर्डेबल वाला, हाँ अपना बजट के हिसाब से ना, तो बाद में ढूंढ लेगा, यहाँ में दो दिन जैसे स्टे, दो दिन 5000 ज़्यादा होगा, अभी तो एकदम बहुत तकलीफ चल रहा है सच में। तो होगा गाइस अभी निकलेगा यहाँ से बिटुल का घर, destination is on the right. So दोस्तों फाइनली देखो, इतना दिन से ब्लॉगिंग देखा हुआ था बिटुल का, आज देखो बिटुल का घर में आ गया मिलने के लिए, यहाँ पे बिटुल अंडर में पूरा भाई लोग भी है ना, प्रियंका बहन कुकिंग कर रहे हैं ना, तो ठीक है अभी आके आ तो गया, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेगा, उसके बाद में मिलवाएगा आपको, बहुत गर्म। आप कुकिंग कर रहे हैं? हाँ। So, दोस्तों यहाँ हमारा प्रियंका बहन पूरा सब्जी साग बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं बहन दिखाओ थोड़ा, ये मेरा इस कल का बनाया है, पता नहीं कैसा होगा, मजा ही होगा, और यहाँ पे भी है, वाओ इतना टेस्टी, देखो प्रियंका बहन पूरा बना दे रहे हैं, और इतना तकलीफ कर रहे हैं, साग ना यही खाने दिल था हमको, हाफ बॉयल, और ये चटनी चिकन का, और बैंगन, वाओ इतना मजा, बहुत ही मजा होगा, टेस्टी होगा, बहुत मजा से खाएगा, बहुत थैंक यू दे बनाने के लिए, मजा से खाएगा। अभी आज देखो प्रियंका बहन के साथ में हम ब्लॉगिंग, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, हाँ सब हाँ,
दो और मेरा भी जितना भी सब्सक्राइबर है इनको सपोर्ट कर दो ठीक है। हम दोनों पास्ता ही मिले हैं नहीं पास्ता जैसे नहीं लग रहे थे हम तो क्योंकि देखते रहते हैं तो अभी ऐसे ही लग रहा है कि हमारा फैमिली का मेंबर है देख देख के। हाँ क्योंकि थोड़ा कनेक्ट हो गया ना अभी। हाँ इसीलिए ये देखो प्रियंका बहन पूरा थोड़ा आप दिखाओ ना पूरा पसीना हो गया। हम लोग खाना सब्जी बना के पूरा पसीना पसीना निकल गया यहाँ में आया इतना गर्म है थोड़ा पंखा में बैठेगा आराम से रेस्ट करेगा उसका बाद में खाना खाएगा। सो दोस्तों देखिए आपका दीदी आके पूरा प्रेम का बहन का मदद कर रहे हैं देखो पूरा अपना घर जैसे पूरा खाना निकाल रहे हैं। आज तो टेस्टी खाना खाएगा और ये देखो स्टिकी राइस बहुत ही हमेशा ब्लॉग में देखते रहता है प्रेम का बहन का आज खाने मिलेगा बहुत ही मजा होगा। अभी पूरा बहन का मदद कर रहे हैं ज्यादा तरह जला है ना ये निकल ये। ओ या पैक हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये निकल गया हम भी खाते हैं ना जला वाला लेकिन इतना जला वाला नहीं खाते कोई कोई पसंद नहीं करता ना। हम और ये है चटनी है ना कौन सी चटनी है मेरा चिकन का साथ चटनी और ये है बैंगन की सब्जी और ये है साग कद्दू की साग और ये है बेम्बू की सब्जी है ये और ये चिकन है ये चिकन और वो ये अलग का चिकन है। सो दोस्तों हम लोग फाइनली दिन का लंच कर लिया और बहुत ही टेस्टी था बहुत आइटम बनाया हमारा प्रियंका बहन बहुत मजा से। तो अभी यहाँ पे स्टिकी राइस क्या बोलते हैं बिस्किट ना अभी प्रियंका बहन बिस्किट बनाएगा ये देखो ये अभी का चावल ये था क्या अलग था अलग था ना वाह मिक्सर में पीसेगा अभी मजा से हमेशा ब्लॉग में हम देखते हैं अब कैसे बनाते हैं बनाते हैं अभी हम भी सीखेगा अभी घर में जाके हम भी ब्लॉग मतलब अब देखने को मिलेगा हमारा ब्लॉग में और खाना खाने वाला को हम ब्लॉगिंग बनाने भूल गया ज्यादा दबा दबा के आपका दीदी एकदम दबा दबा के खाया इतना टेस्टी था सच में एकदम प्योर ऑर्गेनिक इतना बॉयल वाह सच में बहुत ही मजा है। और ये देखो देखो डर गया ये वाह इतना डर के तो अभी बिस्किट कैसे बनाते हैं तो आप लोग को दिखाएगा हमारा ब्लॉग में। चलिए ब्लेंडर में ऐसे पीसते हैं ना नहीं भिजाते हैं आज तो क्या क्या मशीन आ गया ना अभी पूरा पाउडर बन गया ना ऐसे पूरा पीस दिया उसके बाद बिस्किट बनेगा और थोड़ा पीसेगा ना लेकिन बिगड़ने से जुल्मी होता है हाँ बिगड़ के ना। तो आप ही ये मिक्स कर रहे हैं बिस्किट को क्या क्या लगाया बहन नमक दे दिया कोकोनट दिया और उसमें चीनी डाला और वो क्या बताया सोडा सोडा ना वही डाला उसके बाद क्या करेगा डार्क ये करेगा ना हाँ उसका बाद में आते मिक्स करने के बाद फिर बनाऊंगी। हाँ वाह तो आपको देखो देखने मिल रहा है ना कैसे बनाते हैं प्रोसेस कैसे होता है लेकिन ना ये मिक्सर मशीन ने किया ना थोड़ा गुता गुता रह गया है। हाँ और यहाँ है हमारा प्रियंका बहन का मम्मी इतना जवान है ये मेरा बड़े बहन है ऐसे ही लग रहा है इतना जवान है सच में ये भी सामने में घर ना आपका इतना लकी है माँ पिताजी का घर का आसपास में बेहतर है इसलिए कुछ भी जरूरी होता है मम्मी बुलाता होगा। हाँ, वो काम करते करते थक जाते हैं मम्मी खाना बना दे इतना मजा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ हमारा प्रियंका बहन हमारे लिए बोरा पिता तो नहीं बन रहा है बिस्किट बना रहे हैं पकौड़ा बना रही हूँ अभी पकौड़ा बना रहे हैं बहुत मजा होगा हम मम्मी का वहाँ जाएगा। हाँ ठीक है घूम के भी आ जाएगा हाँ ठीक है तो आंटी के साथ जाएगा वहाँ में अमरुद तोड़ने के लिए अमरुद भी है ना आंटी चलो नहीं है तुम वो उधर अमरुद भी है बराबर है तो ये प्रियंका मम्मी के पास में घर यहाँ में है यहाँ जा रहे हैं हम पूरा खा रहे बाहर जा जाओ ठंडा पानी। तो अमरुद यहाँ पे
दीजिए, हम पकड़ लेंगे। वो ऊपर में पका हुआ है ना, वो नहीं पहुंचेगा। आंटी ने तोड़ के दिया, हो जाएगा, हम ले लेंगे। तो ये है प्रियंका बहन का घर। तो ये प्रियंका बहन का सिस्टर कपड़ा बना रहा है। इतना सुंदर से बनाया। या मैं पानी लग गया था बहन, देता है पानी। और पानी देता है ना, ओ इतना मजा से बनाया। किसे मिते है? ओ ठीक है, तो यहाँ भी आ गया। इतना मजा से सक रहा है, देखो कितना दिन लगते बहन ये बनाने के लिए। एक महीने लगता है। अब्बा बहुत टाइम। ओ दाम भी होता होगा ना? हाँ, 3,000 ऐसे भेजने से ना। तो ये ब्लॉग आपको देखा ही होगा, और ये का आपका रूपम का हो गया, बिट्टुल का हो गया, ये घर को आप देखने को मिला होगा। तो आज देखो आपका दीदी यहाँ भी आ गया ब्लॉगिंग बनाते हुए। चलो आओ ना, पानी दे भैया। देखो ये हमारा बहन प्रियंका बहन बना के दिया है, बहुत ही मज़ा आया। तोरा पहले खाया था, टेस्टी था। इतना टेस्टी है, नरम है ना, कहाँ हो जाएगा होगा। सो दोस्तों बिटुल का घर में खा लिया, पी लिया, तो अभी होटल जाएगा। होटल में थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा कल का जानी, मतलब बदन पूरा दर्द हो रहा है। तो खिलाया हम लोग को, पिलाया, बहुत ही थैंक यू आप दोनों को। जरूरी तो नहीं था आप लोग को, लेकिन हम अपना दिल से ना ये तो होगा। बाय बाय जाएगा। सो दोस्तों हम लोग बितुल का घर से होके आ गया, और आके हाथ मुख पूरा कपड़ा भी चेंज कर दिया। गर्मी था लेकिन आज इतना धूप तो नहीं निकला, लेकिन गर्मी था तो इसलिए आ गया। और कल का बहुत ही हाथ पूरा पेन हो रहा है, आज ही हमको पूरा पेन हो रहा था इसलिए आ गया। और ये देखो शाम का नज़ारा, ये पूरा अभी पता नहीं टिक टक से ये लोग बना रहा होगा, मेंटेनेंस कर रहा होगा। यहाँ है आपका दीदी का बाइक, और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, और चारों तरफ पूरा चिड़िया चिप 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 कर रहे हैं, रो रहे हैं ना, हंस रहे, पता नहीं क्या बोलते उसको। तो आ गया, आने जाने है, सुबह भी दिखाया यहाँ पे रिश्ते कर रहे। तो थोड़ा दिन बीतेगा, पता नहीं कल ही ढूंढना पड़ेगा हमको, शायद अलग सस्ता वाला थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ में है, मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है सच में। तो हो जाएगा दोस्तों, हमारा ब्लॉग यहाँ पे एंड करेगा। घर मतलब आ गया होटल पे, तो थोड़ा रेस्ट कर लेगा, और खाल मतलब जाने का कारण ना, और राइट का कारण आज ही पेन हो रहा है, तो इसलिए आज रेस्ट कर लेगा। उसके बाद में कल पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। आ गया तो इधर उधर तो जाना पड़ेगा, तो कल पता नहीं क्या करते रहेगा, लेकिन भी जो भी करेगा एक्साइटेड वीडियो लेके आएगा। तो होगा दोस्तों मेरा ब्लॉग, और जो मेरा ब्लॉग में नया है, प्लीज़ प्लीज़ आप सभी को, दीदी का ब्लॉग 2 साल होने जा रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और दीदी बहुत मेहनत से ब्लॉग बना रहे हैं सच में, तो प्लीज़ आप लोग का प्यार का बहुत ही ज़रूरी है दीदी को, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना। तो मिलेगा कल परसों और एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक ले सभी को बाय बाय।